Hello everybody, welcome to our YouTube channel My Gurukul and myself Shruti V. Pandey. आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी. इस थ्योरी में एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने. उसने क्या किया था, लर्निंग की थ्योरी को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, मतलब जिसे ट्रायल एंड एरर कहते हैं, उससे उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था और इसे संयोजनवाद का सिद्धांत या फिर लर्निंग का संबंध सिद्धांत, ये सब भी नामों से भी जाना जाता है. थॉर्नडाइक ने क्या किया, अपने अधिगम से संबंधित, अपने लर्निंग से संबंधित एक प्रयोग एक बिल्ली पर किया. उसने एक भूखी बिल्ली को एक विशेष तरह के संदूक में बंद कर दिया. इस संदूक का दरवाज़ा एक खटके अथवा चटकनी के दबने से खुलता था. और इस थ्योरी का मैं आपको दिखाऊंगी भी कि उन्होंने कैसे किया, बट बिफोर टू स्टार्ट पहले हम इसे समझ लेते हैं कि थ्योरी में इसने उन्होंने किया क्या था. तो थॉर्नडाइक ने अपने इस थ्योरी में एक भूखी बिल्ली को एक विशेष तरह के संदूक में बंद कर दिया और इस संदूक का दरवाज़ा एक खटके या फिर चटकनी से दबने से खुलता था और संदूक के बाहर एक मछली का टुकड़ा या फिर कुछ खाने का सामान, जो बिल्ली के खाने का कैट फूड जो होता है, वो रख दिया कुछ और इस तरह से रखा कि वो बिल्ली को अंदर से वो बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके. चलिए देखते हैं कि उन्होंने इसमें क्या किया. सो बिफोर टू प्रोसीड लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी. थॉर्नडाइक एक्सप्लेन दिस थ्योरी एंड अराइव्ड एट इट आफ्टर अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड करेक्शन. So a person makes a number of trials, some responses do not give satisfaction to the individual but goes on making further trials till they gets the satisfactory response. Now we will see the theory of Thorndike, what he has done. Thorndike experiment on a cat in a puzzle is widely known as often quoted in journals. So experimental setup was very simple. A hungry cat was confined in a puzzle box and outside the box a dish of food was kept. So the cat in the box had to pull a string to come out of the box. The cat in the box made several random movements of jumping, dashing and running to get out of the box. The cat at last succeeded in jumping the string and the door of the puzzle box opened. The cat came out and ate the food. Thorndike promptly put the cat on the next trial. The cat again gave a frantic behavior, but it soon succeeded in pulling the string. This was repeated several times. Thorndike noticed that as the repetition increased, the errors also reduced. That is, Thorndike's cat slows. Gradual and continuous improvement in performance over successive trials. He concluded that learning of the cat in the puzzle box can be explained in the term of a formation of direct connectionism between stimulus and response. So the educational importance of the theory of trial and error is, learning by trial and error is a gradual process. For learning to occur, the learner must be definitely motivated. To learn makes random and variable responses. Some responses do not lead the goal, that is annoying responses. Some responses lead the goal, that are satisfying responses. With the increase in number of trials, the annoying responses will tend to eliminate and the satisfying response will be strengthened and repeated. The time taken to perform the task or to repeat the satisfying response decreases with successive trial. सो इस एक्सपेरिमेंट में थॉर्नडाइक ने बिल्ली को स्पष्ट दिखाई देता रहे अंदर से, ऐसी जगह पे मछली को रख दिया और मछली का टुकड़ा एक स्ट्यूमुलस यानी उद्दीपन का काम करता था. अब उस टुकड़े को देखकर संदूक में बिल्ली ने अनुक्रिया आरंभ की. बिल्ली ने बाहर निकलने के कई प्रयास किए और अपना बिल्ली का पंजा संदूक के दरवाजे पर पड़ा और वहाँ पर पड़ते ही दरवाजा, देखिए आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर, उसने बहुत कोशिश कर रही है बिल्ली बाहर निकलने की और जैसे ही उसका दरवाज़ा उस पर पड़ा, पंजा उस पर, तो ये दरवाज़ा खुल जाता है. दरवाजे के खुलते ही
और बिल्ली बाहर रखा हुआ मछली का टुकड़ा बिल्ली ने खा लिया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। उसने बिल्ली को फिर से संदूक के दरवाजे पर पड़ा और बाहर निकालकर मछली का टुकड़ा पाने में कामयाब हो गई। तो थॉर्नडाइक इसी प्रकार इस प्रयोग को कई बार दोहराया जिससे कि जैसे जैसे प्रयोगों की संख्या यहाँ देख रहे हैं आप कि किस तरह से बिल्ली फिर से अब इस काम को कर रही है। तो जिस तरह से उन्होंने किया, जैसे जैसे उन्होंने प्रयोग बढ़ाते गए सेम प्रोसेस को, तो बिल्ली का कम प्रयास तथा कम भूल करती हुई बाहर निकलती रही और बिल्ली की गलत अनुक्रियाओं में कमी होती रही। अंत में एक समय ऐसा आया कि जब बिल्ली बिना कोई भूल किए संदूक का दरवाज़ा खोलना सीख गई। इन प्रयोगों के आधार पर थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति गलतियां करके कर सकता है, लेकिन वह बार बार किए गए प्रयासों के बाद जो सीखने में वह सफल हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया उद्दीपक की भी प्रमुख भूमिका होती है। सो उद्दीपक व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है, मतलब जब उसे रिजल्ट मिलता था, उसकी नीड सेटिस्फाई होती थी तो वो उस काम को करती थी। तो शिक्षक क्या होता है कि इसी सिद्धांत को आप देखिए, टीचर क्या कर सकते हैं इसी सिद्धांत को समझते हैं कि बालक अलग अलग कौशलों को बार बार किए गए प्रयासों के बाद वो सीखने में सफल हो जाता है और इसी प्रक्रिया में स्टिमुलस यानी उद्दीपक की प्रमुख भूमिका होती है। स्टिमुलस व्यक्ति को सीखने के लिए मोटिवेट करता है। थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी के से बहुत सारे एजुकेशनल मीनिंग्स इसे फाइंड आउट किए। जैसे टीचर इस थ्योरी के द्वारा ही समझते हैं कि बच्चा अलग अलग कौशलों की को सीखने की प्रक्रिया में गलतियां कर सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर जोर दिया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर बार बार अभ्यास के बाद बच्चे की आदतों में सुधार किया जा सकता है और एवं उसकी गलतियों को कम किया जा सकता है। ये थ्योरी बताती है कि सीखने के लिए उस काम को बार बार दोहराना आवश्यक है। तो जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करेंगे वो चीज़ें आप उतनी जल्दी सीख पाएंगे और आपसे आगे उसमें उतनी ज़्यादा कम गलतियाँ करेंगे नेक्स्ट टाइम। जिस तरह से बिल्ली ने बार बार उस प्रोसेस को किया तो उसकी टाइम टेकिंग जो प्रोसेस थी वो बहुत कम होती गई और बाद में वो बहुत ही जल्दी उस काम को कर लेती थी। तो ये था थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप and please subscribe the channel for such more videos. Thanks for learning. Thanks for watching.